स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी हुआ है फाइनेंशियल टाइम के एक एक्सपर्ट के द्वारा, और कहा गया कि इंडिया का जो गोल है एक हाई इनकम कंट्री बनने का 2047 तक, वो पॉसिबल नहीं है अचीव हो पाना। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा, क्या फैक्टर्स कंसिडर किए होंगे, आज इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो देखो, आप सभी को बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का गोल था कि भाई इंडिया को हम 2047 तक एक हाई इनकम इकोनॉमी बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल टाइम के चीफ है इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है, मार्टिन वुल्फ है इनका नाम, इन्होंने कहा है कि ऐसा हो पाना इंडिया के लिए मुश्किल है। तो ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा, बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो इंडिया का जो है सपना था कि भाई हम 2047 तक जो है हाई इनकम कंट्री बन जाएंगे, लेकिन अब वो अचीव हो पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, इंडिया जो है आने वाले टाइम में अपर मिडिल क्लास इकोनॉमी कंट्री जरूर बन जाएगा, यानी कि हमारा जो है डेफिनेटली एक स्टेटस के अंदर इंक्रीमेंट होगा, लेकिन हम हाई इनकम इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन जो है ये वाली स्पीच दी थी और कहा था कि मेरा अटूट विश्वास है कि 2047 तक हमारा देश, जब 100वां यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। इंडिया जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अभी भी आज के टाइम पे डेवलपिंग कंट्री कहलाती है। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसको डेवलपिंग बोला जाता है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्री की परिभाषा जान लेते हैं। एक कंट्री को डेवलप तब बोला जाता है जब वहां का हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ उसने अचीव कर ली हो, वहां का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई हो, हाई पर कैपिटा इनकम हो, इसके साथ ही गुड परफॉर्मेंस ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, जिसके अंदर आपका एजुकेशन, लिटरेसी एंड हेल्थ, ये सारी चीजें आती हैं। अगर इन सभी चीजों में आपका जो यहाँ पर ग्राफ है वो अगर अच्छा शो कर रहा है, तो दैट मींस कि आप जो है एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। इंडिया को जो है एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है इस वक्त घोषित किया गया है ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। व्हाइल नोटिंग दैट इंडिया कैन स्टिल टेक एडवांटेज ऑफ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, वुल्फ सेड इंडिया कैन फॉर्म यूजफुल एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक रिलेशन विद ऑल द साइड्स। यहाँ पे जो वुल्फ है फाइनेंशियल टाइम्स के चीफ इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ही कहा है कि इंडिया जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकता है, क्योंकि उनके जो रिलेशन है वो सभी देशों के साथ बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट अगर बात करें वेस्ट से, तो वेस्ट से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और वेस्ट कौन सी कंट्रीज है जो यहाँ पे मेजरली तेल सप्लाई करती है पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे वुल्फ ने और भी चीजें हाईलाइट की है कि और हम इंडिया जो है कैसे यहाँ पे चीजों को बारे में और बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल टाइम के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वुल्फ, उन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है आने वाले टाइम में हायर इनकम कंट्री जो है नहीं बन पाएगा, लेकिन वो कौन कौन सी दूसरी अपॉर्चुनिटीज है जिनका जो है एडवांटेज इंडिया ले सकता है, उठा सकता है। अब चलो बात करते हैं कि वो कौन कौन से रोड ब्लॉक है जिसकी वजह से ऐसा बोला गया कि हम 2047 तक यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे, जबकि हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि शायद इंडिया जो है आने वाले टाइम में बहुत जल्द डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आने वाला है। आफ्टर ऑल वी आर दी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और हम शायद जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जाता था। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे गौर देना बहुत जरूरी है, आइए वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रोड ब्लॉक है वो है जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। इंडिया जो है बोस्ट करता है अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7.8% इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, लेकिन अभी भी सफिशियंट जॉब क्रिएशन यहाँ पे नहीं हो पाया है। मिलियंस जो है आज के टाइम पे लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में फंसे हुए हैं। यहाँ पे करीब 15% जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे आता है, एम्प्लॉइंग 44% ऑफ द वर्कफोर्स, यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर है वहां पे 15% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है पूरा, और साथ ही 44% वर्कफोर्स उसी के अंदर लगी है। तो इंडिया नीड्स टू क्रिएट 1.115 मिलियन जॉब्स बाय 2030 टू मीट इट्स राइजिंग वर्कफोर्स, ठीक है। इंडिया को यहाँ पे 115 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी होगी 2030 तक, जिससे कि वो अपनी बढ़ती हुई वर्कफोर्स की डिमांड जो है पूरी कर सके। नेक्स्ट आता है पॉवर्टी एजुकेशन स्किल ट्रैप। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आज के टाइम पे भी जो हमारे भारत की एजुकेशन है वो थोड़ी सी पुअर क्वालिटी की है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती जिससे कि एक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, जिससे कि वो आगे जाके स्किल्स के बेसिस पे जॉब ले सके। तो वो जो चीज़ है ना अनस्किल्ड वर्कफोर्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे स्किल्ड वर्कफोर्स की जो मतलब एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो घटता जा रहा है, ठीक है। हायर स्किल्ड जॉब जो है वो करीब शॉर्टेज ऑफ 150 मिलियन स्किल्ड वर्कर, ठीक है। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा हायर स्किल्ड जॉब्स की होती है, लेकिन उस तरीके से वर्कफोर्स होती नहीं है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अपना चुका है, लेकिन फिर भी वो जो चेंजेस होने चाहिए इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग, वो अभी तक यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाया है इंडियन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इट लीड्स टू ग्रेजुएट लेकिंग द स्पेसिफिक स्किल्स सॉर्ट बाय एम्प्लॉयर, यानी कि आज के टाइम पे यूथ जो है हमारा वो ग्रेजुएट तो हो जाता है, लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होती जो एम्प्लॉयर चाहते हैं। फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 आर्ग्यूज दैट
करीब आधे इंडिया के ग्रेजुएट जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। ये काफी बड़ी और काफी शॉकिंग जो है बात है, ठीक है। नेक्स्ट है हाई पब्लिक डेट, यानी कि जो दूसरों से कर्जा ले रखा है भारत ने वो भी काफी ज्यादा है। इंडिया का जो डेट है वो करीब 81.9% है टोटल जीडीपी का, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है एज पर दी फिस्कल स्टेबिलिटी। और यहाँ पे जो बढ़ता हुआ कर्जा है ना, ये डेफिनेटली क्या करने वाला है, यहाँ पे बर्डन क्रिएट करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट्स क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रुकावट बनेगा। इनकम इनइक्वालिटी, इंडिया जो है आज के टाइम पर भी हाई इनकम इनइक्वालिटी की कैटेगरी में आता है, विद अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी, ठीक है। करीब 22.6% ऑफ नेशनल इनकम वेंट टू जस्ट द टॉप 1%, यानी कि केवल 1% लोगों के पास जो है पूरे देश भर की 22.6% नेशनल इनकम इन्हीं के पास चली जाती है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की यहाँ पे इनकम डिस्पैरिटी है, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा चिंताजनक है। यहाँ पे अगर आप इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे 2022 का, तो वो आया था 0.644, लेकिन जिससे कि रैंक आई इंडिया की 134th आउट ऑफ 192 कंट्रीज ranked by United Nations Development Program UNDP, ठीक है, इनके द्वारा ये बताया गया था। नेक्स्ट आता है रूरल अर्बन डिवाइड एंड अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि आज के टाइम पर अर्बन जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है। वाइल इंडिया अर्बन सेंटर्स हैव एक्सपीरियंस इकोनॉमिक ग्रोथ, रूरल रिमेन्स जो है माइड इन पॉवर्टी। आज के टाइम पे भी जो रूरल है वहां पे पॉवर्टी ही देखने को मिलती है, वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है या तो, या फिर बिल्कुल भी वहां पे डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रहा। वहां पे ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ना ही आपको बेसिक सर्विसेज आपको देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से रूरल डेवलपमेंट जो है वो आज के टाइम पे कहीं ना कहीं एक हिंडर बना हुआ है, यानी कि एक हैम्पर करेगा हमारी पूरी ओवरऑल ग्रोथ को, कंट्री की ग्रोथ को। नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज। देखो क्लाइमेट चेंज किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है, किस तरीके से एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, वो आपने जो है बीते कुछ टाइम में जरूर देख लिया होगा। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा एयर, वाटर और डिफॉरेस्टेशन और बायोडायवर्सिटी का लॉस यहाँ पे हमने बीते कुछ टाइम के अंदर एक्सपीरियंस किया है। और इससे पब्लिक हेल्थ या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंपैक्ट नहीं होती, बल्कि यहाँ पे पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्लाइमेट चेंज को डिरेल इंडियाज डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री, तो यहाँ पे इंडिया की जो एक डायरेक्शन है जिसकी तरफ ये बढ़ता जा रहा है, यानी ग्रोथ की तरफ, वो कहीं ना कहीं हम अचीव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सजेस्ट किया था 4.5% ऑफ इंडियाज जीडीपी कुड बी एट द रिस्क ऑफ 2030। नेक्स्ट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एंड फाइनेंसिंग चैलेंजेस। अब देखो क्या है यहाँ पे, इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, पर्टिकुलरली जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, पावर और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वो कहीं ना कहीं बॉटल नेक बना हुआ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो करीब $1.5 trillion माना जाता है एज पर द वर्ल्ड बैंक। और ये जो चैलेंजेस हैं लैंड एक्विजिशन के, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के, रेगुलेटरी हर्डल्स के, ये और ज्यादा कंपाउंड हो जाते हैं, जिससे कि डिलेज और कॉस्ट ओवरटर्न्स होता है। तो यहाँ पे और ज्यादा जो नई नई कंपनीज है वो नहीं आ पाती, सेटअप नहीं कर पाती, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। तो खैर ये थे वो हमारे सारे रीजन जिसकी वजह से ये बोला गया कि आने वाले टाइम में इंडिया 2047 तक मोस्ट प्रोबेबली एक डेवलप कंट्री बन पाने में थोड़ा सा मुश्किलों का सामना करेगा। खैर वैसे मैं आप लोगों के व्यूज और ओपिनियंस जानना चाहूंगा, तो मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके पास दो एप्लीकेशन जरूर हो, एक है वो गैप 24, दूसरा है GK24, और दोनों ही एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में और बेहतरली। और इन दोनों ही ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना, ज्यादा से ज्यादा यूज करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।